जिम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स में जो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स उसकी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, PQ इज पैरेलल टू SR, PQ इज पैरेलल टू SR, एंगल एस क्यू आर, दिस एंगल एस क्यू आर, इट इज 28 डिग्री एंड एंगल क्यू आर टी 65 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, विच इंप्लाइज दैट पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी ऑल्सो, एस टी भी हम इसके ये प्रोड्यूस हुई है टी तक, तो पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू एस टी। जब ये और ये लाइन ये दो आपस में पैरेलल हैं, देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन एंगल एक्स प्लस 28 इज इक्वल टू 65। ये एंगल जो हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, विच इंप्लाइज दैट एक्स जो है इट इज इक्वल टू एक्स ही लिखेंगे इक्वल टू 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो यहां पे ये आ गया 37 डिग्री, ये 90 है, ये 37 निकल गया, ये इसका पता ही है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, सो दिस एंगल एंगल क्यू पी एस, क्यू पी एस इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल क्यू पी एस, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, एक्स प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज एंगल सम प्रॉपर्टी लिखेंगे, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, व्हिच इंप्लाइज दैट एक्स हम निकाल चुके हैं पहले 37 डिग्री प्लस वाई तो निकालना है 90 इज गिवन इज इक्वल टू 180 डिग्री, व्हिच इंप्लाइज दैट वाई प्लस 127 degree is equal to 53 degree, therefore x is equal to 37 and y is equal to 53। ये दो एंगल हमें चाहिए। खुदा हाफिज़।